इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। आज का दिल्ली शहर 7 छोटे प्राचीन शहरों से बना है, जिनमें से एक है मेहरौली। ऐतिहासिक महत्व रखने वाले मेहरौली क्षेत्र में बहुत से स्मारक मौजूद हैं। यहाँ की चहल पहल के बीच स्थिर खड़ा दिखता है एक और बेहतरीन स्मारक, आदम खान का मकबरा, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। इस मकबरे की खासियत ये है कि इसे बनवाने वाले मुगल बादशाह ने ही आदम खान की मृत्यु का आदेश दिया था, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया ये समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। 1556 में महज 13 या 14 साल के अकबर मुगल सम्राट बन गए थे। उनकी एक दाइमा थी महामंगा, जिनसे वो बहुत करीब थे और उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे। महामंगा के ही छोटे बेटे थे आदम खान, जो कि अकबर के भाई जैसे ही थे और आगे चलकर उनके सेनापति भी बने। 1561 में आदम खान ने मालवा पर हमला करने में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। उसी समय के आसपास अतगा खान को अकबर के दरबार में मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। अतगा खान मुगल शासक और अकबर के पिता हुमायूं के समय पर एक काबिल सैनिक भी थे, पर अतगा खान के दरबार में इतनी अहमियत महामंगा को पसंद नहीं आई और आदम खान ने 1562 में आगरा किले में अतगा खान को मार डाला। इस खबर से बेहद नाराज होकर अकबर ने आदम खान को भी मारने का आदेश दे दिया और उन्हें आगरा किले से नीचे फेंक कर मार दिया गया। 1562 में दिल्ली के मेहरौली में अकबर ने यह मकबरा बनवाया जहां आदम खान को दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि महामंगा को भी यहीं दफनाया गया था। आज के मेहरौली बस टर्मिनस के सामने कुतुब मीनार से कुछ ही दूर बना ये मकबरा ज्यादातर लोगों की हलचल से घिरा रहता है। इसकी वास्तुकला लोधी वंश की वास्तुकला से मिलती जुलती है और ये ऐतिहासिक किला राय पिथौरा की दीवारों के कुछ हिस्सों से घिरा हुआ है। कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर यहाँ 8 कोनों का एक बरामदा है, जिसमें हर कोने पर एक छोटी मीनार है। बरामदे के हर तरफ पर 3 खुले दरवाजे जैसे हिस्से हैं। इस बरामदे के बीचों बीच स्थित है आदम खान की कब्र। इस बरामदे को एक गोल गुंबद ढकता है। ये गुंबद भी 8 कोनों वाले एक कक्ष से घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ दीवारों पर ज्यादा चीजें अंकित नहीं की गई हैं, पर यहाँ कुछ शिलालेख पाए जाते हैं। 6 कोनों वाले तारे का ये पवित्र चिन्ह भी यहाँ बना हुआ है। माना जाता है कि ये चिन्ह अकबर की वास्तुकला से संबंध रखता है, क्योंकि अकबर द्वारा बनवाए हुए हुमायूं के मकबरे में भी ये देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर इस मकबरे के छोटे गलियारों में खो जाते हैं और इसलिए इसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। आदम खान का ये मकबरा मुगल सम्राट अकबर के राज्यकाल की एक छोटी सी झलक तो दिखाता ही है, साथ ही आज मेहरौली की वास्तुकला विरासत की भी शान बढ़ाता है।